हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि व्हाट इज CSS, CSS क्या होता है और कैसे, हाउ टू यूज CSS इन HTML पेज एंड व्हाई वी यूज CSS इन HTML. सो लेट्स डिस्कस अबाउट CSS. सबसे पहले हम एडिटर खोल लेते हैं और एक पेज खोलते हैं. लेट्स ओके, इसको मैं ब्राउजर पे एक आपको एक ओवरव्यू दिखा रहे हैं CSS की और HTML डिफरेंस. विदाउट CSS के HTML पेज कैसे दिखता है, फिर उसके बाद हम CSS जानेंगे क्या होता है. तो ये हमारे स्क्रीन जो दिख रहा है, तो ये दिस इज सिंपल HTML पेज विदाउट एनी स्टाइलिंग मीन्स विदाउट एंड यूजिंग CSS. तो ये इसमें CSS को यूज नहीं हुआ, इसमें ये सिर्फ HTML के थ्रू हुआ है. आपको उस वक्त कोड दिखाते हैं. देखिए यहाँ पर कहीं ऐसा स्टाइलिंग नहीं हुई है, ओके, ना कोई लिंक है एक्सटर्नल CSS की. तो यह है सिंपल वेब पेज बाय HTML. अगर इसमें हम CSS इंप्लीमेंट करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं इसको कुछ अच्छा बनाने के लिए, तो कुछ ये इस तरह के ऐसे दिखेगा. इधर नए बार, मेनू बार, हेडर, साइड बार, फुटर और मेन पेज, ओके. तो ये मेरा हो गया एक वेब पेज विद CSS. और इसके दूसरा स्टाइल देखते हैं. तो दूसरे स्टाइलिंग में हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके से अलग, कुछ अलग तरीके से दिख रहा है पहले वाले से. मीन्स स्टाइल फर्स्ट से कुछ डिफर दिख रहा है. तो ये होता है CSS. आपका HTML पेज इस तरीके से होता है, जब उसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं CSS को तो वो कुछ इस तरीके से हो जाता है. तो हम थ्योरी पार्ट से जानते हैं कि क्या होता है CSS. तो इसे कट आउट करते हैं एंड ओपन फोल्डर, ओके. इसको मैं VS Code पर खोलता हूँ. मैंने दो फाइल बना कर रखे हैं, एक index.html और एक style.css फॉर स्टाइलिंग एंड क्रिएटिंग एन वेब पेज विद द हेल्प ऑफ CSS एंड HTML. तो सबसे पहले आता है व्हाट इज CSS. CSS is the language we use to style an HTML document. It is not programming language. It is a styling language. Okay. CSS के थ्रू हम डिस्क्राइब करते हैं कि how to HTML element should be display, मतलब कैसा हम HTML पेज को कैसा दिखाएं अपने वेब पेज, अपने वेबसाइट पे, ब्राउजर पे. और CSS को एक लाइन में अगर बोले तो HTML को हम HTML में हम क्या करते हैं, क्या दिखाना है ब्राउज़र पे. तो ये HTML डिफाइन करता है कि क्या दिखाना है, व्हाट इज शोइंग. और CSS ये करता है कि कैसे दिखाना है उसको, उस वेब पेज को कैसे दिखाना है, ये डिपेंड होता है CSS पे. तो CSS का एक लाइन डेफिनेशन ये है. और CSS सेव करता है लॉट ऑफ वर्क और कंट्रोल करता है लेआउट को. और तो दूसरा टॉपिक है व्हाट, व्हाई वी यूज CSS. तो क्यों यूज करते हैं हम CSS को.
CSS को हम भी हमने डिस्कस करा कि CSS को हम स्टाइलिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो CSS को हम बेसिकली स्टाइलिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी हम CSS को यूज़ करते हैं। तो CSS को हम रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, अपने वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज करते हैं, और अट्रैक्टिव वेब पेज बनाने के लिए भी करते हैं, ताकि जिससे कोई यूज़र अगर वेब पेज पे आए तो उसके स्टाइलिंग यूज़र इंटरफेस से वो इंट्रैक्ट हो और अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सके, इस वजह से इस स्टाइलिंग को हम यूज़ करते हैं, ताकि कोई अगर वेबसाइट पे आए तो उस पर बना रहे। तो तीसरा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ CSS, कितने तरह के CSS हम यूज करते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स, फर्स्ट इनलाइन CSS, सेकंड इंटरनल CSS, थर्ड एक्सटर्नल CSS। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे इनलाइन CSS की। तो हम इनलाइन CSS की बात करते हैं, तो इनलाइन CSS को हम HTML टैग के अंदर ही यूज करते हैं। HTML का टैग अब H1, P, पैराग्राफ टैग, div, span, ये सब HTML का टैग, बॉडी, ये सब HTML का टैग। तो इसके अंदर अगर जब यूज होता है तो उसको इनलाइन CSS कहते हैं। जैसे हम इसको अभी इसके टेम्पलेट को हम टाइटल है, ओके, तो मान लीजिए एक H1 टैग ले लेते हैं, इसमें लिख देते हैं CSS लर्निंग पॉइंट, ओके। तो ये हो गया मेरा टैग, ये H1 टैग हो गया, ये बॉडी भी टैग है, हेड भी टैग। तो ये H1 टैग, इसके अंदर अगर कोई CSS की इम्प्लीमेंटेशन होती है तो इसको हम इनलाइन CSS बोलते हैं। हम अभी ऊपर से ओवरफ्लो बता रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तरीके, मान लीजिए हम इसमें कलर डालना चाह रहे हैं, कलर रेड, तो ये हमें CSS लर्निंग पॉइंट, ये हमें रेड कलर का शो होगा। आपको ये बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक होता है, ये ब्लैक, और जब हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं तो ये इनलाइन CSS थ्रू रेड हो जाता है। तो अभी हम ऊपर से तीनों को डिस्क्राइब कर लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम आपको, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये हो गया इनलाइन CSS। अब इंटरनल CSS बात करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम ही टैग ले लेते हैं, HTML वेब पेज। अब इस इंटरनल CSS को हम हेड टैग के अंदर यूज करते हैं, ये मेरा हेड टैग है, इसके अंदर यूज करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल टैग लेके उसके अंदर हम उसको स्टाइल करेंगे अपने टैग को, जिसको हमको करना है। मान लीजिए हमको पैराग्राफ टैग में कोई करना है तो स्टाइलिंग, तो इसके पी को हमको टारगेट करके इस पर कलर डालना है, अगर कलर ग्रीन, मान लीजिए और एट्रीब्यूट डाल सकते हैं इसमें, फॉन्ट साइज 40, ओके। ये हो गया इंटरनल CSS। अब एक्सटर्नल CSS बात कर लेते हैं, जब TNO पे बात कर रहे हैं। एक और टैग हम अभी एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, HTML CSS वेब।
अब इसको हम स्पैन लेते हैं ताकि वहां पर हम ओवर राइड, उससे पहले हमको यहाँ पर लिंक कराना होगा उसको, तो हम उसको लिंक करा लेते हैं हेड हेड के अंदर, उसको हम लिंक करा लेंगे। तो लिंक का कोड होता है लिंक रिलेशन, ये स्टाइल शीट लिखना पड़ता है क्योंकि ये स्टाइल शीट है, और इसके एच आर एफ टैग में हम स्टाइल का एक्सटर्नल फाइल जिस नेम से सेव करें उसको यहाँ पर सेव कर लेंगे, और यहाँ पर जाकर इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। यहाँ पर हम क्या करें, स्पैन टैग, स्पैन टैग कलर कलर रेड रेड ही करते हैं। ओके फॉन्ट साइज भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं फॉन्ट साइज।